हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज, जो अपने ग्रेटर नोएडा में है, मतलब NCR में टॉप कॉलेज है ये होटल मैनेजमेंट करने के लिए। अगर किसी को एडमिशन लेना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस कॉलेज में। आज मैं दिखाता हूँ आपको, कैंपस टूर कराता हूँ यहाँ का, तो थोड़ा फेस नहीं दिखेगा, मास्क ज़रूरी है, कंपलसरी है मास्क कॉलेज में। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, कॉलेज टूर देता हूँ एक, और बताता हूँ आपको कॉलेज के बारे में और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। फिलहाल देखेंगे तो हमें सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे सब क्लासरूम है, यहाँ पे सब क्लासरूम्स है जितने भी हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस वगैरह चलती हैं इस वाले रूम में, उधर अपनी क्लास है, और नीचे की साइड में सब लैब वगैरह हैं। और अगर आप नीचे चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ मैस है। दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्या है कॉलेज में और कैसा है कॉलेज, और ये कॉलेज क्यों बेस्ट है होटल मैनेजमेंट के लिए, वो भी मैं आपको। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप देख सकते हो, ये है 105 बेकरी क्लासेज है, यहाँ पे सब बेकरी क्लासेज वगैरह होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सब कुछ बेकरी क्लासेज होती हैं, जो भी केक वगैरह बनाना है या जितने भी कुकीज़ वगैरह हैं सबकी क्लासेज यहाँ पे होती हैं। 107 नंबर, ये हमारी बेसिक TR किचन है, तो इसमें जितनी भी किचन के इक्विपमेंट हैं यहाँ पर सभी मिलेंगे आपको, ये देख सकते हो सभी मिलेंगे यहाँ। जितनी भी फर्स्ट क्लास की क्लासेज हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सबकी क्लासेज वगैरह होती हैं। और जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं उसके लिए, अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह है तो सब कुछ बंद है, कोई आया नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आ गया आज। और दिखाते हैं आपको, ये हमारी एडवांस ट्रेनिंग किचन, यहाँ पे जो भी एडवांस है वो बताया जाता है, वो सिखाते हैं यहाँ पे। फिलहाल अभी कोरोना की वजह से थोड़ा कम ही ओपन होते हैं ये, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत कम आते हैं अभी फिलहाल। और ये अपना नीचे मैच है, ये है हमारी हाउसकीपिंग लैब। अभी तो फिलहाल अंधेरा है इसमें, क्योंकि अभी बच्चे ही नहीं आए। ये भाई हाउसकीपिंग लैब, जितने प्रैक्टिकल हैं आपके हाउसकीपिंग के वो सब इसमें होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसा बनाया हुआ है जैसे कॉलेज में होता, उसमें होता है 5-star होटल में, उसकी तरह ही है बिल्कुल ये। ये अपने कॉलेज का मैस, सही बच्चे यहीं पे खाना खाते हैं। और ये है किचन, तो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग वगैरह होती है यहाँ पे भी। तो नीचे ये ऑफिसेज वगैरह हैं यहाँ पे, देखो यहाँ असेंबली वगैरह होती है, जो भी यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आते हैं वो सब चेक होती है, यहीं पे बच्चे लाइनअप होते हैं। जब तक आपकी यूनिफॉर्म परफेक्ट नहीं है आपको एंट्री नहीं मिलेगी कॉलेज के अंदर। ये सब क्रॉकरी वगैरह है जो होटल में यूज़ होती है, ये उसके लिए है, ये बेकरी किचन में होती है, ये फूड सर्विस में होती है इक्विपमेंट, ये गेस्ट रूम के लिए होते हैं। और ये कॉलेज को जो भी
मेडल वगैरह या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं। कॉलेज के स्टार्टिंग में आपको पहली मिरर मिल जाएगा स्टार्टिंग में ग्रूमिंग चेक करने के लिए। बात करते हैं कॉलेज बेस्ट क्यों है। ये कॉलेज इसलिए बेस्ट है क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में इनकी तरह कोई भी प्लेसमेंट नहीं देता है। यहाँ से जितने भी बच्चे निकल के गए हैं वो अच्छी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट हुआ है उनका, जैसे हयात है, ओबरॉय है, ITC मौर्य है, तो मतलब कि जितने भी हैं अच्छी जगह जाते हैं। और डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी, क्योंकि कॉलेज तो आपको प्लेसमेंट के लिए भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करके आते हो, आप इंटरव्यू अच्छे से नहीं देते हो, तो उसमें कॉलेज ही क्या कर सकता है। बट ये कॉलेज अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करता है बच्चों को जितना हो सकता है। और जैसे कि इस कॉलेज में ये NCHMCT से है, IHM से एफिलेटेड है, तो इसमें आपको IHM के कोर्सेज भी मिल जाएंगे इसमें, जैसे BSc होटल मैनेजमेंट है, और इसमें आला की तरफ से भी कोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी डिग्री आपको बाहर से मिलती है, आउट ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी 2022 के एडमिशन ओपन होने वाले हैं, और आप अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को कॉलेज भी विजिट करना है या फिर ट्रायल क्लास लेनी है तो वो आके कॉलेज में ले सकता है, तो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ट्रायल क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप आइए कैंपस देखिए और एडमिशन ले सकते हो। मेरे को नहीं लगता इससे बढ़िया कोई पूरे ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली NCR में प्राइवेट कॉलेज है। और इससे और बात करते हैं प्रैक्टिकल की। देखिए पूरा का पूरा इस खेल ही प्रैक्टिकल के ऊपर बेस होता है, क्योंकि अगर आपको जब तक प्रैक्टिकली करना नहीं आएगा होटल मैनेजमेंट लाइन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। थ्योरी भी मेन होती है, थ्योरी भी करनी चाहिए, इंग्लिश आपको थोड़ा अच्छे आनी चाहिए। तो ये था जैसे कि कॉलेज का रिव्यू। तो कुछ अभी क्लासेस बंद पड़ी हैं यहाँ पे, तो दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी कोरोना की वजह से उन पे रैपिंग वगैरह करके वो बंद की हुई हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं। तो बाकी यही था। और बाकी अगर आप ऊपर चले जाते हो तो वहाँ पे हॉस्टल है बच्चों का। अगर आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सीट अवेलेबल्स नहीं होती कॉलेज के अंदर। इसलिए आप हो सकता है जितना भी जल्दी आ सकते हैं उतना जल्दी इंस्टीट्यूट में आएँ और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक टाइम का लंच इंक्लूडेड है फीस के अंदर ही, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यार कहीं लंच के लिए कहीं बाहर जाना है या कुछ भी है। कैंटीन भी है कॉलेज में, कैंटीन अभी बंद थी तो मैं वो दिखा नहीं पाया आपको। बट ओवरऑल ये कॉलेज सबसे बेस्ट लगता है। और डिप्लोमा अगर आप यहाँ से करते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा भी है, फूड बेकरी में भी डिप्लोमा है, फूड प्रोडक्शन में भी है, सर्विसेज में भी है, और आपको अगर डिग्री करनी है तो इसमें डिग्री भी मिल जाएगी आपको। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो शेफ विलियम डी से ज़रूर मिलना, सबसे बेस्ट टीचर है यहाँ पे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेरी जितनी पुरानी वीडियो हैं आपको उनमें मिल जाएंगे, और हो सकता है भी थोड़ी बहुत देर में आएंगे तो मैं आपसे मिला भी दूंगा उनको। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं भाई वो, अगर आप उनसे पढ़ते हो ना तो आपका लाइफ एक्सपीरियंस ही बदलने वाला है बिल्कुल। और बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज में, ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क सेकंड में पढ़ता है। और यहाँ से अगर आप कहीं भी ऑफ टॉप जैसे दिल्ली से हैं या फिर बुलंदशहर से हैं तो आप कैब सर्विसेज भी ले सकते हो, यहाँ पे कैब सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और अगर आप दूर से हो तो कॉलेज के हॉस्टल भी हैं, हॉस्टल आपको बहुत लो प्राइस पे मिल जाते हैं। अगर आप कहीं बाहर लेते हो PG वगैरह तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, वो समथिंग 7,000 रुपये करीब चार्ज करते हैं। बट इतना कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कॉलेज में अगर आप लेते हो तो खाना भी अच्छा मिलता है यहाँ पे, कि कोई शिकायत नहीं है कि खाना अच्छा नहीं है। हम लोग खूब डेली खाते हैं, खूब बढ़िया एक खाना है। और ज़्यादातर होता है कि स्टूडेंट जो बनाते हैं वो ही मिलता है हमें खाने के लिए, तो उससे क्या है कि आपका प्रैक्टिकल मजबूत होता है, जिससे कि आप इन फ्यूचर कहीं भी जाते हो ट्रेनिंग इंटरव्यू के लिए तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है पहले से कि हाँ ही हमने ये सब कुछ किया हुआ है। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी देख लीजिए ग्रेटर नोएडा के अंदर। पहली बात तो होटल मैनेजमेंट के बहुत कोई एक या दो कॉलेज हैं और उनमें भी इतना फोकस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट के कॉलेज नहीं है। वो जैसे यूनिवर्सिटी हो गया तो उसमें जितने भी कोर्स हैं वो सब डाल दिए अपना चल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो RIG IHM में तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है और यहाँ आपको आपको पूरा प्रमोट किया जाएगा आगे। जितना कॉलेज आपको फोर्स कर सकता है आगे अच्छा ले जा सकता है उतनी आपके लिए पूरी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि इससे कॉलेज का भी नाम होगा,
ठीक है, अगर मैं यहाँ से पढ़ के जाता हूँ और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, तो वो इसी बेस पे दे रहा हूँ क्योंकि कॉलेज अच्छा है। तो ऐसा ही आपके साथ में होने वाला है, तो आप प्लीज़ आइए कॉलेज में, एक बार विज़िट करिए कॉलेज को, देखिए आपको पसंद आता है नहीं आता है, और यहाँ पर टीचर हैं, फैकल्टी हैं, सबसे मिलिए। तो आप, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे को कोई भी क्वेरी हो मेरे को कॉल कर सकते हो आप, और एडमिशन अभी ओपन है, जल्दी जल्दी आके आप एडमिशन ले सकते हो। तो यही आपको मेरे को बताना था, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, अगर आपको किसी और को शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी 12th होने वाली है बच्चों की, या पहले जिनकी हुई थी कोरोना के वजह से एडमिशन नहीं ले पाए वो, तो इस साल वो एडमिशन ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, कॉलेज आइए और आप कॉलेज में अपना क्लासेस लैब वगैरह अटेंड कर सकते हैं।